नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कन्या राशि वालों, सिंह राशि के बाद अभी बारी है जुलाई महीने में वीडियो बनाने जा रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखूंगी मैं कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, प्यार या धोखा। तो कन्या राशि वालों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि खाली प्यार या धोखे के बारे में नहीं है, रिलेशनशिप के साथ साथ आपके कैरियर के बारे में, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप एग्रीकल्चर में हैं, या आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, या सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ कैसी है, एंजल गाइडेंस कैसा है, और लास्ट में वीडियो में मैं आपको बताऊँगी यस और नो का कार्ड निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप वहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपसे कहूँगी, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर इस वीडियो के शुरुआत में दिया गया है, अंत में भी बताया जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ और देखूँगी कन्या राशि वालों की जुलाई महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो चलिए पहले मैं कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। कन्या राशि वालों, बहुत सारे कन्या राशि वाले बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट्स बॉक्स में डाल रहे थे कि हमारा वीडियो कब आएगा, तो चलिए आज आपका ही वीडियो आएगा। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गणपति बप्पा भोलेनाथ, किसी भी निगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखिए और मुझे गाइडेंस दीजिए कि कन्या राशि वालों की एनर्जी जुलाई महीने में कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की एनर्जी जुलाई महीने में कैसी रहेगी। कन्या राशि की जुलाई महीने में एनर्जी, कन्या राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। पांच कार्ड निकालूंगी, कन्या राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए ऐसा है कि पूरे महीने में अगर देखें तो रिलेशनशिप के मामले को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि महीने की शुरुआत में कोई थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। किस तरह की बताती हूँ, देखिए पिछले काफ़ी समय से आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पीठ पीछे धोखा हुआ है, आपको लगा कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आपने बहुत एफर्ट्स किए, सारी कोशिशें की, लेकिन कोई एक दो पर्सन नहीं, कई कई लोगों ने आपको धोखा दिया है, तकलीफ दी है। तो अब आप अपनी एक बराबर धरातल ज़मीन पर आकर खड़े हुए हैं, अब आप किसी से धोखा खाने को तैयार नहीं हैं, लड़ते लड़ते तलवारें टूट चुकी हैं। अब आप इस बात के लिए थोड़े कड़क हो गए हैं, थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं कि कोई भी आए अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे रिश्ते का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो अब आपने एक नई शुरुआत की है, लेकिन हो क्या रहा है कि जुलाई महीने के शुरुआत में किसी से आपका वाद विवाद लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं प्यार या धोखा देख रही हूँ, तो आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ ही आपको कनेक्ट करके देखा जा रहा है। तो यहाँ कोई इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है कि किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा शुरू के दिनों में सेपरेशन आ सकता है, एस ऑफ पेंटिकल। लेकिन आपके काम के मामले में डिवाइन का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल है कि आप किसी को एक बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, यहाँ दो तीन तरह की एनर्जी है, किसी की लड़ाई होगी तो कोई ऑफर दे रहा होगा, ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, सब एक जैसा नहीं होगा, कुछ परसेंट अलग तरह से होंगे, कुछ अलग तरह से होंगे। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप किसी को एक बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, शादी का, प्यार का, या किसी भी तरह का ऑफर। तो वहाँ पर आप एक दूसरे को, एक एडिक्शन है, आदत है आपको उस पर्सन की, आप उसे खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में, कोई ना कोई मिड में जाकर जुलाई में आप एक्शन लेंगे, किसी को कोई प्रपोजल देंगे, ठीक है। और इस प्रपोज़ल के लिए मैं कहूँगी, इस प्रपोज़ल को देने से पहले अपनी एनर्जी को ज़रूर बैलेंस कर लें, कुछ हीलिंग करें अपनी, क्योंकि देखिए यहाँ ब्लैक एंड वाइट और डिवाइन। तो क्या होता है कि जब निगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिलते हैं और डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो एक नई एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, आपको पहले एनर्जी को बैलेंस करना है, फिर कोई एक्शन लेना है किसी के लिए भी, ठीक है। और देखिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है कि ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो आपने किसी को ऑफ़र दिया और आप इंतज़ार कर रहे थे, तो उस तरफ से भी आपकी तरफ कांटेक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही, खुशखबरी मंथ के लास्ट में दिखाई दे रही है। और देखिए ये आ गया विक्ट्री कार्ड, तो आप जो कुछ चाहते थे रिलेशनशिप में वहाँ पर विक्ट्री मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो जाएं, लगभग 80% लोगों की संभावनाएं बन रही हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा संयोग
बन सकता है महीने के लास्ट में जाकर। और कुछ लोग जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है वो लड़ाई झगड़े बवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तीन तरह की एनर्जी है। तो अब देखेंगे कि आपका पार्टनर क्या सोचते हैं, तब क्लियरिटी आएगी कि आपको प्यार मिल रहा है या धोखा। चलिए आगे देखते हैं। कार्ड को फिर से एक बार मिक्स करूंगी। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, मैंने कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जैसा मैंने पहले आपकी एनर्जी में भी देखा था कि सोलमेट कार्ड आया है यहाँ पर। तो आप दोनों का कुछ लोगों में जैसा 80% मैंने बताया था यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को कप एक्सचेंज कर रहे हैं, डिवाइन का आशीर्वाद है, एक मिलन दिखाई दे रहा है, रिकंसलेशन दिखाई दे रहा है, मतलब एक खुशखबरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे ये लगता है कि स्टक एनर्जी में है, जैसा मैंने तीन तरह की एनर्जी आपकी एनर्जी में भी बताई थी वैसे यहाँ पर भी है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी धुनकी में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी ज़्यादा सुन रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की सोच ली है। और क्यों सोच ली है, क्योंकि वो कहीं अलग शादीवादी के चक्कर में पड़ना चाहते हैं और अगला जो पार्टनर है वो थोड़ा पैसे वाला है, तो उनको वहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जियाँ मुझे दिखाई दे रही है। और देखिए ये कार्ड भी दिखाता है कि जो आपके पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 30% लोग हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीन तरह की एनर्जी जैसे मैंने बताई। और देखिए ये स्टक एनर्जी है, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टक एनर्जी में है, जकड़े हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। तो मंथ लास्ट में जाकर आपकी तरफ एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने तीन तरह की एनर्जी दिखाई थी। कुछ लोग शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग जैसा मैंने कहा था कि बहुत दिन देर से लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो वो स्टक एनर्जी में है। वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए हो सकता है मंथ लास्ट में आपसे बात करें, कुछ कोशिशें करें। तो ये तीन तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो लव रिलेशनशिप है आपका, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, उसके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता था, ठीक है, ये देखिए चैन से जकड़े हुए, एक दूसरे में प्यार था, रिलेशन अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन आसपास के लोग जलते थे। कुछ लोग हो सकता है कि आपके रिश्ते में आप दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहते, और इसके साथ साथ आ गई यहाँ पर थर्ड पार्टी। तो अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी में जा रहा है या आप दोनों के रिलेशनशिप में निगेटिविटी है, आप थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप देखिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन, ठीक है। उसको आप डेली करना शुरू कर दीजिए तो कहीं ना कहीं आपको इस मामले में राहत मिल जाएगी, जो निगेटिविटी है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ज़रूरी कोई पर्सन ही आपके बीच होता है, कभी कभी इश्यूज होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं रहने देते हैं, तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जिससे आपको निकलना। माइंड की गाइडेंस है कि इस निगेटिविटी से बाहर निकलिए, नहीं तो आपका पार्टनर सचमुच थर्ड पार्टी में चला जाएगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ताकत है आपके अंदर, ठीक है। और कह रहे हैं द हाई प्रीस्टेस, इनर वर्क करना होगा, अपने आप की ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़िए, सिर्फ इमोशन से काम मत लीजिए, थोड़ा दिमाग भी चलाइए और इनर वर्क कीजिए। तो मेरे चैनल पर आप जाकर ये भी देख सकते हैं कि इनर वर्क कैसे करेंगे, अब है ज्ञान प्रोडक्शन इनर वर्क, तो आपको इनर वर्क का वीडियो मिल जाएगा। इनर वर्क कहते किसको हैं, जिससे आप ध्यान मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये तो थी डिवाइन की गाइडेंस। अब जो लोग किसी लीगल मामले में चल रहे हैं, तलाक वगैरह का मामला चल रहा है या किसी प्रॉपर्टी का या कोर्ट कचहरी का या पुलिस का कोई मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, लीगल मामले में जो है उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए अगर आप का अपने पार्टनर से डिवोर्स का मामला चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोर्ट कचहरी मामला सब दिखाई दे ही रहा है, एक जज बैठा है, लोग सामने बैठे हुए हैं, तो हो क्या रहा है कि जो पुराना टाइम बीता है उसके फ्लैशेस आपको आ रहे हैं, आपको अपने पार्टनर की यादें सता रही हैं, जो वक्त बीता है, आप शायद इस रिश्ते से नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आप उन्हें मिस कर रहे हैं, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
आप चाहते हैं कि रिकंसलेशन हो जाए, दोबारा सब चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, आपके दिल में प्यार है, आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब अगला समझ नहीं रहा है तो आप क्या कर लेंगे, अकेले सर फोड़ेंगे क्या? देखिए, सारी दुनिया खुश है, आप सारे रंगों से दूर हैं, उदासी में हैं, बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करूं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी जो लिखा है उसे आप टाल नहीं सकते। आप रात रात भर सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, एक बात मन में आ जाए तो उसकी परतों में चले जाते हैं, ना जाने कितनी बातें सोचते हैं। ठीक है, आप अपनी शादी को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन इस महीने में ऐसे दिखाई दे रही है। अब जो लोग का प्रॉपर्टी या किसी और तरह का मामला है, वहाँ पर भी आप ओवरथिंकिंग करते ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, सिचुएशन जुलाई में बहुत अच्छी नहीं है। आपने कुछ पैसे जोड़े हैं जिससे आप इस मामले को ठीक करना चाहते हैं, हो सकता है कि सोच रहे हैं कि कुछ ले दे के चीज़ों को निपटा दिया जाए मामले को, लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो अभी इस महीने में आप इसी तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखती हूँ। जो लोग किसी एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, जो एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, आगे सब अच्छा करने वाले हैं। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें बहुत बर्डन आ गया है आपके ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे बोझ हैं, और आपसे आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, फैमिली परिवार में, खानदान में लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपने इतनी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, अपना सारा जो काम है उसको बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सावधान रहने की ज़रूरत है, कुछ लोगों पर जैसे उतना तो नहीं मानती पर बहुत बार निगेटिव एनर्जी अटैक करती हैं, तो तंत्र विद्या या किसी की नज़र लगना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हो सकती है। लेकिन आप उसके बावजूद भी नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी है, आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आगे बढ़ते हुए जुलाई महीने में दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ट्स यानी डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश एनर्जी के साथ शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि आप जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो कुछ तरह का बिजनेस उसमें कर रहे हैं, उसमें अचानक से कोई चेंज आ जाए, एकदम नया परिवर्तन आ जाए जुलाई महीने में। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि एंजल कहते हैं कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो मैं भी इसमें मेहनत में लगा हुआ हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे आने वाले समय में आपकी और ग्रोथ होगी, और ज़्यादा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके इस फायदे से कुछ लोग जल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी रिलीज के लिए कोई भी मेडिटेशन या कुछ करना चाहिए जिससे ये चीज़ें हो, या अपनी सेफ्टी रखिए आप कम से कम, ध्यान देकर चलिए। चलिए आगे बढ़ती हूँ। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, विदेश से जुड़े किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी, जो लोग विदेश से जुड़े किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी, जो लोग विदेश से जुड़ी किसी बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके साथ कोई चीटिंग होने की संभावना साफ साफ दिखाई देती है। वैसे मैं नहीं कहूँगी कोई नुकसान उठा रहे हैं, उस तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन आप जिस पे बहुत भरोसा कर रहे हैं वही आपको धोखा दे सकता है मनी मैटर के मामले में, पैसे के मामले में। ध्यान रखिए, आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, आपके कलीग्स हैं, आपके आसपास आपने किसी को काम सौंप रखा है, तो वहाँ पर कोई चालाकी ना कर रहा हो आपके साथ। वैसे डिवाइन के साथ एक बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर से कोई ऑफर मिलेगा आपको, अच्छा काम होते हुए जुलाई महीने में दिखाई दे रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी हैं, तो वो सब अभी काम आने वाली हैं जुलाई महीने में। आप जहाँ भी अप्रोच करेंगे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, एक आदमी बैठा है और सारी विशेस पूरी हो रही हैं, तो जुलाई महीना आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें सब कुछ पूरा होगा, सिर्फ आपको सिर्फ कुछ लोगों की चीटिंग से बचकर चलने की ज़रूरत होगी। जो लोग कलाकार हैं, किसी आर्ट की फील्ड में हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं, कोई डिज़ाइनर हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, म्यूज़िक में हैं, उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी, उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी, उनके लिए एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए मामला है कि आर्ट और क्रिएटिविटी आपकी दुनिया है, संसार है, लेकिन बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साथ स्ट्रगल करते करते आप थक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो अगर आप किसी बहुत अंधेरे में थे तो डिवाइन अब आपको जुलाई महीने में कुछ ऑफर, कुछ काम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके नेचर में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा बचपना है, आप सोचते
आपके नेचर में एक दिक्कत है, आप ये सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट है, आप दूसरों की सुनना नहीं चाहते। तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना होगा, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके अंदर जो ईगो है वो अच्छी बात नहीं है, ये बचपने वाला ईगो है, इनमेच्योर ईगो है, ठीक है। तो जो ईगो में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ ऑफर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन आप हाथ बांध के बैठे हैं, अपने आप में खोए हुए हैं कि नहीं ये ऐसा होगा तभी ऐसा करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह का मूड आप हटा दीजिए, डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपके सामने आए पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, जो लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में उनकी एनर्जी। देखिए यहाँ पर भी कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं, आप काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और द वर्ल्ड कार्ड आया है। ये जो भी कर रहे हैं वो आपकी दुनिया है, तो आप उससे बाहर निकलकर कुछ और नहीं करना चाहते। पिछले समय में आपने उतार चढ़ाव परेशानियाँ देखी हैं, थोड़ा अंधेरा देखा है, दिक्कतें देखी हैं, लेकिन अब आप उससे निकलकर बाहर आ रहे हैं। जुलाई महीने में उससे बाहर आने का टाइम है, अच्छे ऑफर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग्जरी सुख सुविधा, पैसा एक क्वीन है हाथ में, डॉलर है, तो काफ़ी कुछ अच्छा मिलते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा है, फ़ायदा हो सकता है इस महीने में कन्या राशि वालों के लिए। चलिए अब मैं देखूंगी जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए सरकारी जॉब में भी आप पता लगा रहे हैं कि यहाँ देखें वहाँ देखें, इंटरव्यू दे रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन फिर वही नेचर आपके अंदर आ रहा है कि नहीं मैं ही करेक्ट हूँ, ऐसा ही होगा तभी करूँगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत है। वैसे फिलहाल देखें तो विक्ट्री कार्ड आया है, तो आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है इस महीने में, अगर आप ट्राई कर रहे हैं जॉब मिल जाएगी आपको। द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि आपको आपके मन मुताबिक जॉब भी मिल सकती है, तो इसलिए ज़्यादा ईगो में मत आइए, थोड़ा सरल होकर चलिए। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी, देखिए जैसा वीडियो मैं बनाती हूँ हर फील्ड के लिए, यहाँ पर वीडियोस में निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा वीडियो शायद और लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऑल बटन को भी टच कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी, देखिए आप में ही दिक्कत है कहीं ना कहीं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी। आप जो है कहीं ना कहीं अगर कुछ जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके मन में डर है कि पुराने टाइम में जैसा कुछ हुआ वैसा फिर ना कुछ हो जाए, तो आप एक जॉब को ख़त्म करके कहीं नई जगह पर एक नई जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं आप, लेकिन डिवाइन शायद कुछ अच्छा दे रहे हैं और आप हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, तो इस तरह अगर करेंगे तो कुछ अच्छा ऑफर आते हुए आपके हाथ से जा सकता है। कुछ आपके सामने आ रहा है उस तरफ ध्यान दीजिए, जो ख़त्म हो गया उसमें मत डूबे रहिए, क्योंकि अगर कहीं पर गड़बड़ हो गई तो आगे भी गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है, पॉजिटिव सोच कर आगे बढ़िए। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनका बिजनेस कैसा चलने वाला है जुलाई महीने में, वाह अच्छी बात है, जुलाई महीने में ये तो गड़बड़ कार्ड आया है। देखिए वैसे तो पिछले टाइम में आपने धोखे खाए, ठीक है, तो आपके मन में एक डर है, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जो बिगड़ा है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए जुलाई महीने में भी कोई आपको हर्ट कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो आपको संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी। पुराना जो कुछ बिगड़ा है जुलाई महीने के शुरुआत में आप पूरी कोशिश करेंगे, और दोबारा कहते हैं ना ये रिकंसलेशन का कार्ड है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक बंजर ज़मीन जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पर आपने पानी से सींचा है, पौधे लगाए हैं तो उसमें फूल निकलने लग गए हैं, और उन फूलों से आपका जीवन दोबारा खुशबू से भर जाने वाला है। यानी जो चीज़ें बिगड़ गई थी वहाँ पर स्टार कार्ड दिखा रहा है कि सब चीज़ें दोबारा से ठीक होने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके आसपास में पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, आपको किसी फीमेल का सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आसपास में सुख सुविधा लग्जरी पैसा ये सब कुछ है आपके लिए, तो बस आपको धोखे से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। तो ये तो मैंने हर तरह की रीडिंग की, अब काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है, काम के मामले में डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि धीरे धीरे स्लो गति से आप आगे बढ़िए, वक्त पर छोड़ दीजिए जो कुछ भी हो रहा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और रात रात भर जागिए मत, निगेटिविटी अपने मन में मत लाइए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। और इसके अलावा डिवाइन कह रहे हैं कि जो पैसे आपके पास हैं उसे थोड़ा दबा कर संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी इस महीने में।
चलिए, जैसा मैंने कहा था आपको कि लास्ट में मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि यस और नो का कार्ड, तो माइंड में जो सवाल होंगे आप अभी से सोच लीजिएगा। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं देखना भूल गई थी। सेहत के मामले में देखिए, सेहत में तो कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही, कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं जिसमें राहत नहीं मिल पा रही है, कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें भी आपके पैसे वैसे खर्च हों, तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई बीमारियाँ और ना लग जाएँ। अपना ध्यान रखिए, थोड़ा निगेटिविटी से बचेंगे तो सेहत भी ठीक होगी। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो लास्ट में यस नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। उससे पहले आपको बताऊँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, अलग तरह की बहुत तरह की एनर्जी जहाँ पर मिक्स है, ठीक है, तो आप अगर पर्सनल दिखाना चाहते हैं कि आपकी लव रीडिंग क्या है, कैरियर क्या है, बारे में जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपको प्यार करेगा या धोखा देगा, आगे फ्यूचर उसके साथ कैसा रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर आप अगर अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, पूरा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, शादी कर रहे हैं किसी से और कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या अपना फ्यूचर में कुछ भी दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कुछ फीस पड़ती है मिनिमम 9323135111। आपने मेरा नंबर नोट कर लिया होगा पर्सनल रीडिंग के लिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देखकर आगे मत बढ़ जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है क्या आपके साथ, क्योंकि अभी तो जुलाई महीना आने वाला है, तो आगे जाकर क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में अलग अलग तरह की चीज़ होती है, तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं अपनी। आप अभी आगे बढ़िए और हम देखते हैं कि यस और नो में आपके लिए क्या कार्ड आता है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए और सवाल अपने मन में लाइए, ठीक है। ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे हम, ओम मणिपद्मे हम। देखिए ये एक नो का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, और बॉटम की एनर्जी में भी बहुत कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर नो आया है साफ साफ। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अभी वीडियो देखोगे और चले जाओगे, अगली बार आप वीडियो को सर्च करोगे मिले या ना मिले, तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हर महीने आप अपनी गाइडेंस ऐसे इस तरह से देखना चाहते हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकॉन है, जो एक बेल बनी हुई है, उसको टच कर दीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो कन्या राशि वालों, बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।